हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक नहीं दो नहीं पूरे सात के साथ डिटॉक्स वाटर की रेसिपी लेके आई हूँ। आप पूरे सप्ताह इसे बदल बदल कर पी सकते हैं। और बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि डिटॉक्स वाटर किसे कहते हैं, तो डिटॉक्स वाटर यानी कि वेजिटेबल फ्रूट्स और किचन में मौजूद स्पाइसेस से ये ड्रिंक बनता है। इसे पीने से शरीर के अंदर मौजूद गंदगी साफ होती है। डिटॉक्स वाटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरी की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसके कारण इसे पीने से वेट लॉस होता है। और साथ ही अगर आप इसे रोजाना पीते हैं तो आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है। इसके अलावा डिटॉक्स वाटर मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है और डाइजेशन को सुधारता है, और साथ ही साथ बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो सबसे पहले मैंगो का हम बनाएंगे डिटॉक्स वाटर। तो इसके लिए मैंने हाफ मैंगो के पल्प को काट करके ले लिया था, और इसे इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। किसी भी फॉग या स्पून की सहायता से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा भी रहेगा तो चलेगा। अब इस सारे मैंगो के पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे एक जार में। आप कोई भी एक बड़ा सा जार ले लीजिए, कांच का रहेगा तो और भी अच्छी बात है। तो सारे मैंगो के पल्प को जार में डाल देने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए, ये है चिया सीड्स। तो चिया सीड्स हम इसमें एक चम्मच डालेंगे, छोटे चम्मच से एक चम्मच इसमें मैं चिया सीड्स डाल रही हूँ। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे ढेर सारा पानी। पूरे जग को पानी से फिल कर देने के बाद इसे हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद आप इसे पीना शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर का सभी चीज आप खा भी सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि चिया सीड्स ना वेट लॉस से लेके हार्ट अटैक तक की समस्या से हमें रिलीफ दिलाता है, और साथ ही साथ बालों और स्किन के लिए तो ये रामबाण से कम नहीं है। और आम के बारे में तो ये मिथ है कि आम हमारे वजन को बढ़ाता है, लेकिन सच बात तो ये है कि आम हमारे वजन को घटाने में हमारी हेल्प करता है। आम में फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हमें लंबे समय तक फिल रखता है, जिसके कारण हम एक्स्ट्रा खाने से बचते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा डिटॉक्स वाटर। तो इसके लिए एक मीडियम साइज के गाजर को हल्के लंबे लंबे पीसेस में छील करके और काट करके हम ले लेंगे, और इन सभी को हम एक जार में डाल देंगे। और इसी के साथ इसमें हम 8 से 10 करी पत्ता डालेंगे, ये वजन को कंट्रोल करता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है, ये बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो कड़ी पत्ता के इतने सारे फायदे हैं, तो कड़ी पत्ता इसमें डाल के जरूर बनाइएगा। और साथ ही साथ एक पूरे लेमन को हम हल्के गोल गोल स्लाइस में काट करके इसमें डाल देंगे। ये तो सभी को पता है कि लेमन विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, और ये फैट कटर भी है। इससे स्किन ग्लो होता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यह कंस्टिपेशन तथा अपच से संबंधित समस्याओं में मदद करता है। अब जग को हम पानी से भर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कैरोट के फायदे तो सभी लोग जानते ही हैं, तब भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, के, सी, पोटेशियम और सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो बहुत लाभदायक होता है। तो आप समझ ही रहे हैं कि हम कितना इफेक्टिव डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं, तो इसे आप जरूर अपने डाइट में ऐड करिएगा। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, और फिर इसे आप पीना शुरू कर सकते हैं। आप इसके अंदर के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा भी सकते हैं, और आप चाहे तो इसे आप एक बार और पानी से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं हमारा थर्ड डिटॉक्स वाटर। तो इसके लिए हाफ कुकुम्बर को छिलके सहित ही गोल गोल स्लाइस में काट करके हम एक जार में डाल देंगे। कुकुम्बर वजन कम करने में बहुत इफेक्टिव है, इसमें 80% पानी होता है। ये शरीर के आंतरिक अंगों को गहराई से सफाई करता है, यह शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और साथ ही साथ इससे त्वचा पर ग्लो भी आता है, और इसमें ढेर सारे फाइबर भी होते हैं। तो सारे खीरे को इसमें डाल देने के बाद इसमें हम डालेंगे 8 से 10 तुलसी के पत्ते यानी कि बेसिल लीव्स। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही सर्दी खांसी से बचाता है, ये स्ट्रेस तनाव से भी मुक्ति दिलाने में कारगर है। और ये देखिए, साथ ही इसमें हम डालेंगे छोटे चम्मच से एक छोटा चम्मच बेसिल सीड्स यानी कि तुलसी के बीज, बहुत जगह इसे सब्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटे चम्मच से एक छोटा चम्मच जार में डाल देंगे, और जार को फिर से हम पानी से भर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बेसिल सीड्स फाइबर के अच्छे सोर्स होते हैं, इन सीड्स में कैलोरी नहीं होती, ये प्रोटीन, कार्ब्स और आवश्यक वसा से भरपूर होते हैं, और साथ ही ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो वजन घटाने में हमारी मदद करते हैं। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद आप इसे पीना शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर की सभी चीजें आप खा भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसे एक बार फिर से पानी से फिल कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे हमारा फोर्थ डिटॉक्स वाटर। तो इसके लिए कूटने वाला लेंगे, उसमें छोटे चम्मच से एक छोटा चम्मच हम डालेंगे सौंफ। सौंफ मोटा या पतला जो भी है वो चलेगा, अगर मोटा वाला है तो और भी अच्छी बात है। और इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 से 2 पिंच हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। और इन सभी को हम हल्का दरदरा कूट लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसे हमें कितना कूटना है। ये देखिए, हल्का दरदरा इसे हम कूट लेंगे। अब हम ले लेंगे एक जार। तो जार में पहले से ही थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है। अब इस जार में हम इन सारे कूटे हुए पाउडर को डाल देंगे। तो सौंफ, जीरा, अजवाइन हमारे पेट को साफ करते हैं, ये अपच की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। इसका सेवन करने से गैस, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से राहत मिलता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव डिटॉक्स वाटर हम बना रहे हैं। तो ये देखिए, साथ ही में इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 1 पिंच इसमें हम लास्ट में हींग डाल देंगे। हींग डाल करके और फिर पूरे जग को हम पानी से फिल कर देंगे और लास्ट में इसमें हम थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे। तो 8 से 10 मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते इसमें डाल करके इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिंट लीव्स फाइबर के अच्छे सोर्स होते हैं और ये भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है और डाइजेशन के इश्यू से रिलैक्स कराता है। तो आप समझ ही रहे हैं ये कितना इफेक्टिव है। तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए, कम से कम 3 घंटे के लिए इसे सोख होने के लिए छोड़ दीजिएगा। 3 घंटे के बाद आप इसे पीना शुरू करिएगा और इसके अंदर की सभी चीजों को आप खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे हमारा 5th डिटॉक्स वाटर। अगर आप अपने बढ़ते हुए पेट की चर्बी से परेशान है और वो घटने का नाम नहीं ले रहा है तो ये डिटॉक्स वाटर बहुत ही इफेक्टिव है। इसे जरूर बना करके ट्राई कीजिएगा। तो 1 कप के करीब हम गर्म पानी लेंगे और उसमें 2 छोटा चम्मच डाल देंगे ग्रीन टी। और ग्रीन टी डाल करके इसे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेने के बाद इसे हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से पानी में आ जाए। मैं ज्यादातर लीफ वाला ही ग्रीन टी यूज करती हूँ क्योंकि मुझे यही ज्यादा पसंद है। अगर आपको बैग वाला ग्रीन टी पसंद है तो आप इसमें 2 बैग काट करके ग्रीन टी का डाल सकते हैं। ये देखिए, 10 मिनट के बाद ग्रीन टी का पूरा फ्लेवर पानी में आ चुका है। तो अब इसे हम छान करके एक जग में ले लेंगे जिसमें हम इसका डिटॉक्स वाटर बनाएंगे। आप चाहें तो इसे कप में भी छान सकते हैं, लेकिन 2 जगह पे छानने का क्या फायदा जब 2 बर्तन आपको धोना पड़े, तो इसीलिए इसी में छान लीजिए। फिर हम जग को पूरा पानी से फिल कर देंगे। ग्रीन टी फैट और वेट लॉस करने में बहुत इफेक्टिव है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और साथ ही साथ ये हमारे एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करती है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 लेमन के जूस को। तो आधा नींबू के रस को निकाल करके इसमें डाल दीजिएगा और साथ ही साथ इसमें हम 8 से 10 डालेंगे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते इसमें डाल करके और फिर इसमें हम लास्ट में डालेंगे छोटे चम्मच से 1 छोटा चम्मच हनी यानी कि शहद। तो शहद इसमें लास्ट में डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप ग्रीन टी गरम गरम पी करके बोर हो गए हैं तो ग्रीन टी को इस तरह से बना करके जरूर पी के ट्राई कीजिए। आपको पी के इसका टेस्ट बहुत मजा आने वाला है और आप इसे बार बार बना करके पियेंगे और ये आपको बहुत अच्छा वेट लॉस रिजल्ट भी देगा। दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। जरा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अब इससे हम सोख होने के लिए बस 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे हमारा 6th डिटॉक्स वाटर। तो इसके लिए 1 छोटा चम्मच हम लेंगे सौंफ। तो सौंफ मैंने मोटा वाला लिया है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आप चाहें तो पतला वाला भी ले सकते हैं अगर आपके पास मोटा वाला नहीं है। इसे हम हल्का सा ही दरदरा कूट लेंगे। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो अभी तक मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये देखिए, अब इस सौंफ को हम डाल देंगे एक जार में। जार में थोड़ा सा पानी पहले से मैंने लिया हुआ है तो इसी में मैंने सारी सौंफ को भी डाल दिया है और इसी के साथ इसमें हम 1 लेमन को गोल गोल स्लाइस में काट करके इसमें डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 8 से 10 पुदीने के पत्ते। तो ढेर सारे इसमें पुदीने के पत्ते डाल दीजिएगा और इसे हम पूरा पानी से फिल कर देंगे। दोस्तों, जिन्हें भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए ये डिटॉक्स वाटर बहुत इफेक्टिव है। सूप में फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज, कोलेन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटेन, जैक्सेथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम सिर्फ 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ेंगे। 1 घंटे के बाद आप इसे पीना शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर की जो भी चीज है आप उसे खा भी सकते हैं।
दोस्तों अब हम बनाएंगे हमारा लास्ट डिटॉक्स वाटर। तो इसके लिए हाफ कुकुम्बर मैंने लिया है, बड़ा मेरा कुकुम्बर था इसलिए मैंने हाफ लिया है। अगर आपका छोटा खीरा है तो आप उसे एक ले लीजिएगा और छिलके सहित इसे गोल गोल स्लाइस में काट करके हम जार में डाल देंगे। और इसके साथ ही एक लेमन को गोल गोल स्लाइस में काट करके इसे भी हम डाल देंगे। तो 6 से 7 पीस मैं लेमन का इसमें डाल रही हूँ और साथ ही इसमें हम ढेर सारे डालेंगे पुदीने के पत्ते। तो पुदीने के पत्ते इसमें 10 से 12 मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते डाल करके। अब इसे हम पानी से फिल कर देंगे। पानी से फिल करके इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम रेस्ट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ेंगे। 2 से 3 घंटे के बाद आप इसे पीना शुरू कर दीजिएगा और इसके अंदर जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो भी हमने डाले हैं वो सभी आप खा सकते हैं। और आपको मन है इसे एक बार और पानी से फिल करने का तो आप इसे आप फिर से एक बार पानी से फिल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे डिटॉक्स वाटर बहुत टेस्टी लगते हैं पीने में। आप इसे वीक के हर डे चेंज कर करके बना करके पी सकते हैं। जाने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर जरूर सुनते हुए जाइएगा कि ये डिटॉक्स वाटर कौन कौन लोग पी सकते हैं और कौन इसे नहीं पी सकते हैं। तो जो शुगर के पेशेंट डायबिटीज वाले हैं वो इन सारे डिटॉक्स वाटर को कभी भी मत ले, उनके अलावा सभी लोग ये डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों अगर आपके पास इसके रिलेटिव कुछ और सवाल है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।